और स्टार ये स्टार है। मैरी क्रिसमस। ये वो जो चलती है फटाफट फटाफट। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस करिए ताकि सारे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको अपकमिंग वीडियोस के मिलते रहें। वेलकम बैक टू माय चैनल अप्पू लाइफस्टाइल एंड किचन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो टुडे इज 24th ऑफ दिसंबर और आज है बेसिकली वैसे क्रिसमस तो कल है बट इसे हम क्रिसमस ईव की तरह सेलिब्रेट करते हैं, सभी सेलिब्रेट करते हैं। एंड अभी तक हमें डेकोरेट कर लेना चाहिए था हमारा क्रिसमस ट्री बट ड्यू टू सम रीज़न रह गया, कुछ कुछ चीज़ें भी रह गई थी। क्रिश थोड़ा थोड़ा करके लेकर के आ रहे थे, कुछ उस दिन हम लोग मॉल से लेकर के आए थे तो आज सारी चीज़ें इकट्ठी हैं। क्रिश भी घर पर हैं, टाइम से आ गए हैं तो हम लोग जा रहे हैं अभी क्रिसमस ट्री का डेकोरेशन करने, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और आज रात में 12 बजे हम सेलिब्रेट करने वाले हैं क्रिसमस और कल का दिन यानी क्रिसमस हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे वो हम आपको मोस्ट प्रोबली हमारे लाइव वीडियो पे दिखाएंगे। अगर लाइव पर नहीं दिखा पाए तो ब्लॉग तो आ ही जाएगा, तो आप देखिए ना। हाय, सो अभी मैं क्रिसमस की शॉप पर आ गया हूँ जहाँ पे डेकोरेशन सामान मिल रहा है। तो मेरे रास्ते में ही ऑफिस से घर जाते हुए एक दुकान है कस्तूरी, ये पीछे मेरे पीछे दुकान है कस्तूरी। सो इसी पे ही बाहर आउटलेट लगा हुआ है, यहाँ पे क्रिसमस का सारा सामान मिल रहा है, डेकोरेशंस का बड़े बड़े ट्री भी मिल रहे हैं। मैंने पीछे वीडियो शूट किया है, आपको दिखाएंगे। तो ये सारा सामान है, मैंने ऐसे सामान ले लिया है और बस अब अंदर पेमेंट करता हूँ, फिर आपको और दिखाएंगे जब डेकोरेशन करेंगे, ठीक है? तो डेकोरेशन के वक्त आपको दिखाएंगे। और अभी काफ़ी सामान है एंड बिकॉज इट्स अ 24th तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। थोड़ा पहले लेते तो सस्ता मिल जाता, अभी बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि फिर यूज़ नहीं है ना आज के बाद इसका, कल तक ही यूज़ होगा। चलो फिर ठीक है, आपको मिलते हैं, पेमेंट करता हूँ फिर मिलते हैं आपको। ये है और स्टार, ये स्टार है। इनके पास ये भी है ग्रूम, ये डेकोरेशन है, ये है। दिस हाउ मच है ना? 1350 सेम साइज 2400। दिस इज 2000। अच्छा अच्छा, फोर हंड्रेड। दिस इज पीपर एंड दिस इज अ शॉप। तो अभी चलते हैं फटाफट हम डेकोरेशन करने। मैं दिखा देती हूँ क्योंकि क्या क्या चीजें लेकर आए। ये देखो, ये है हमारा इतना बड़ा सा क्रिसमस ट्री, बहुत बड़ा नहीं है बट मोर देन सफिशिएंट है। और ये हम मॉल से लाए थे, ये कैप्स लाए थे। मैं सब कुछ तो नहीं ऐसे दिखाऊंगी एक एक करके क्योंकि बहुत सारा सामान है, जैसे ये बेल है और भी बहुत कुछ है, मैं कितना सारा दिखाऊंगी। तो मैं ना डेकोरेट करते जाती हूँ और आप देखते जाना कि हम क्या क्या लाए हैं, ये भी लाए हैं। और कुछ चीज़ें मैं दिखाती हूँ आज ना, फ्रेश भी लेकर के आई। ये सब हम मॉल से लाए थे एंड ना स्पार में हमें ना बहुत बहुत रीजनेबल मिल गई थी ये सब चीज़ें, बट अभी आज फ्रेश लेकर के आए हैं। हमारे घर के पास एक स्टोर है कस्तूरी स्टोर करके, तो यू नो क्रिसमस का टाइम है, ऑब्वियसली फेस्टिवल की चीज़ें थोड़ी सी सो एक्सपेंसिव मिलती हैं। ये छोटा सा क्यूट पीसा सेंटा का सॉक्स है। और कुछ जाने दो ना, सारा नहीं दिखाते हैं, डेकोरेट करते हैं ना। और ये देखो कि इसको क्या बोलते हैं, पता मुझे इसका नाम नहीं पता था। मैंने कुछ से कहा क्रिश, वो जो सर्कल जैसा होता है ना, बोले ना तो पति क्रिश कह रहे हैं, वो जो लोगों के फ्यूनरल चला जाते हैं तो क्या कह रहे थे उसको। तो चलो मैं जा रही हूँ डेकोरेशन करने, ये क्यूटी सा सेंटा भी लाए थे। तो बस चलते हैं अभी डेकोरेशन के टाइमिंग में, देखो आप लोग क्या क्या लाए, क्या क्या डेकोरेट करते हैं, मिलते हैं। और ये इसको क्या कहते हैं बता रहा ना, मैं भी कह रही थी कि वो जो लड़ी होती है और क्या बोलते हैं इसको, और इसको मैं कभी कभी लूलू भी बोल देती हूँ। तो ये मेरा लूलू। तो चलो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस ब्लॉग के लिए, फटाफट से शेयर करते हैं और इसको मैं डेकोरेट करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है? तो चलो चलते हैं डेकोरेट करने।
देखो उसको कैसे करना है क्रिसमस ट्री। हाँ इसको खोलना है, इसको खोलना है ऐसे ताकि इसका जो बैलेंस है चारों तरफ वो बराबर रहे, नहीं तो एक तरफ गिर जाएगा। ओके ओके, इसको देखना पड़ेगा, इसको हिसाब से खोलना पड़ेगा। इन्हीं पे तो लटकाएंगे ना लाए हैं। हाँ अभी फिलहाल ऐसे कर दो और फिर इसको होगा। इसका वो स्टैंड दो आप नीचे से, ये बहुत जो वहां पे लगा हुआ था वो तो ऐसा नहीं था, थोड़ा सुस्त सुस्त सा लग रहा है क्रिसमस ट्री। हैवी सा लग रहा है, ये तो बहुत लग गया। इसके बटन्स कहां है अंदर है? वहां जो लगा था वो तो ऐसा नहीं था, नहीं है जो अभी खुला हुआ था ऐसे ही था। और तुम तो बैठ गए आराम से जाके यार, बड़े चालू आदमी हो, इसको खड़ा करने के लिए कुछ कर दो, मैं इसको और अच्छे से फैला लूं। मैं थक गया हूँ इसको करते करते। देखो हो गया, हाँ हो गया। तो ये लग गए हैं तीनों और ये हमारा हो गया है फर्स्ट क्रिसमस ट्री इन आवर हाउस। मतलब टेप ला के ना इसको प्रयोग कर देंगे तो ये मजबूत हो जाएगा। हाँ बस ये वैसा नहीं है जैसा वहाँ पे देखा था, वो शायद और बड़ा वाला था, ये छोटू सा बड़ा हो गया। लेकिन ठीक है, अभी अभी क्या करो, टेप ले आओ, मतलब सेलो टेप वाली, इसको इसको मजबूत कर देना, उसको सभी चीजें फिर टूट जाएगा। इसका बेस मजबूत कर देंगे उसके बाद फिर उस पर डेकोरेशन जाएगी। हाँ और ऐसे जैसे सॉफ्ट जैसे स्नो पड़ती है ना इस तरीके से स्नो टाइप, हाँ हाँ ऐसे रहती है ऐसे बीच में, क्योंकि नहीं रखेंगे ये दो तो गिर जाएगा। नहीं गिरेगा रे बाबा, जब इन्हें ठंडा लगती है वो मैट ले लो, नहीं 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 ज्यादा सीख लग जाएगी, नहीं तबियत खराब हो जाएगी, ठंड का मौसम है, ठंड हो रही है, कुछ ले आ लो, कुछ ले आ लो, चल ये डाली की दीवार से ले लो, चला जाओ। गो 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 गो, इसे उठाओ उठाओ, इस वाले को भागो, ये मेजर है बड़ा, कुछ चलो अब तुम देख नहीं गालो के सारा टेक खत्म हो जाएगा, अभी बाकी की डेकोरेशन कैसे करेंगे। इतना इसको भी थोड़े 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 छोटे 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 करके ऐसे फेंक देना, हां हां करेंगे लास्ट में। ये पूरा ऊपर कवर हो गया है, यहाँ से ये साइड कवर हो गई पूरी, ये किस साइड रखती है तो देखो ये अब वो यहाँ पे स्नो पर, इंडिया में आपने देखा होगा स्नो कभी पड़ती नहीं, कहीं पड़ती नहीं, शिमला वगैरह मसूरी शिमला में पड़ती है थोड़ी सर्दियों में, यहाँ साउथ में तो बर्फ पड़ती नहीं है, लेकिन हमने आपको यहाँ पे बर्फ दिखा दी। नहीं बट साउथ में एक जगह ऐसी है, मैं आपको बता दूं, आई थिंक कर्नाटका में या आंध्रा में है, लंबा सिंगी जहाँ पर पूरे साल में सिर्फ एक दिन स्नो पड़ती है, वो जनवरी में कभी भी वो टाइम हो सकता है, और वो एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर टूरिस्ट प्लेस में बहुत ज्यादा फैसिलिटीज अभी नहीं है, लेकिन उतना डेवलप नहीं है, प्लान कर रहे थे कि जाएंगे बट अभी तो। बट साउथ में सबसे ओल्डेस्ट कोई जगह है उसका नाम है लंबा सिंगी, लंबा सिंगी आप यूट्यूब उस पर गूगल पे यूट्यूब पे कहीं पर भी सर्च मार लेते हो, डिस्क्रिप्शन में नाम मेंशन करूंगा, लंबा सिंगी जरूर देखना, वो दैट इज द बेस्ट प्लेस, आई मीन वो भी डेवलप नहीं हुआ है बट इट्स गोइंग टू बी नेक्स्ट, इट्स नियर विशाखापट्टनम, आई थिंक इट्स इन आंध्र प्रदेश एपी में है शायद, और वो आने वाला सबसे तगड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनने वाला है, क्योंकि ऊटी मनाली मुन्नार ये सब तो बहुत रश हो गया, बहुत पुराने हो गए, बट दैट लंबा सिंगी अमेरिक वहां पे भी होटल वोटल ज्यादा है नहीं, दूर है वहां, जो मेन जगह है वहां से 15-20 किलोमीटर दूर, तो जो मेन लंबा सिंगी है वहां आसपास कुछ नहीं, गांव वाले हैं, तो आपको वहां
रुकने को जगह नहीं है तो आप होटल में रुकते हो 15 किलोमीटर दूर, तो वहां से कुछ ट्रांसपोर्ट लेके वहां जाते हो, घूमते फिरते हो। वहां खाने को ऐसा नहीं, तो रोड भी जो विलेज में लोग रहते हैं वहां पे, उन्होंने चाय नाश्ते के लिए अपने बाहर बनाए हुए स्टॉल, तो वो लंबा सिंह भी देखना जरूर, सर्च मार के, बहुत जबरदस्त जगह है। तो ये हम कंप्लीट कर दे नीचे का रुख, फिर हम ऊपर इस पे लगाने लगते हैं। ये है इसका बैकग्राउंड येलो। बताओ कैसे लगा है? नीचे की तरफ लटका के अच्छी लगती है, ऊपर छोटे वाले कैसे चलेंगे? ये देखो ये जो है ना, इसके ऊपर का धागा निकल गया था, तो मैंने ये सेफ्टी पिन जो है ना, सेफ्टी पिन डाल दी। हैं ये देखो क्या है, ये मैंने पैकेट खोला तो इट्स लाइक कि सारी बेल्ट अलग है और धागे अलग है। ये देखो लिखाती हूं मैं कैमरे पे, ये देखो ये जो गोल्डन वाली बेल्ट देख रहे हो, ये इनके धागे सारे अलग है, आपको डालने पड़ेंगे लाल लाल के। 80% प्रिपरेशन इज डन, वो ऊपर वो लकी लड़ी लगी है। ये देखो पेड़ काफी सज गया, अभी दिखाएंगे हम पास से, थोड़ा क्लोजअप से दिखाएंगे। अब ये घंटियां टन 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 टन, ए देखना तुम यही तो करो, ये कान में नहीं पहनी जाती है। ये बैठ बैठ के काम करो, अभी घंटे काम पूरा से जाएगा, उसके बाद दिखाते हैं ये कैसा क्लोजअप लुक से कैसा दिखता है। वो क्रीम वाला केक नहीं, क्रिसमस वाला प्लम केक करते हैं। अच्छा एक बार क्लोज लुक दिखा देते हैं इसकी। हाँ, दिखा।
ये देखो इस पे ये है कैंडीज होती हैं, ये बैल है, ये गिफ्ट बॉक्सेस हैं, ये सॉक्स होते हैं, और ये देखो बेल्स हैं, और ये मैरी क्रिसमस है, और ये सेंटा का ये सेंटा है, सेंटा का क्या बोलते हैं जो वहाँ पे जो इनकी गाड़ी सेंटा का बड़ा हाँ वो बर्फ वाली उस पे ये सेंटा जी हैं हमारे। और ये बॉक्सेस ये देखो क्रिसमस बॉल्स गिफ्ट्स एंड एंड ये देखो ये बेल है और क्या था वो कहाँ है वो तुम्हारा हाँ ये है जो उनकी उनकी सेंटा हाँ जी उनकी कार्ड जिससे वो आते हैं सेंटा हमारे घर आते हैं और फिर चले जाते हैं इसमें आते हैं है ना। और ये भी मैरी क्रिसमस ये बॉक्सेस पड़े हैं गिफ्ट ये जूता ये फर्स्ट टाइम हमने बनाया है तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। देखो ये एक लुक एक फोटो भी ले लेते हैं ठीक है। और ये हमारे सामने का लुक है चलो ठीक है हम रेडी होके आते हैं और फिर हम केक कटिंग करते हैं। अभी हम क्रिसमस केक काटने जा रहे हैं तो अभी जस्ट 12 बज गए। सो मैरी क्रिसमस टू एवरीवन खुश रहो और ये नया साल जो 2021 आए बहुत अच्छा है और हम ये कोरोना वायरस पे विजय पाए अच्छे से ठीक है हम विन हो जाए चलो ठीक है अभी हम केक काटते हैं आओ मन अच्छा हम दोनों ने रेड रेड पहना कुछ रह गया है रेड 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 इधर आ ओ कैप कैप दो नहीं नहीं फैन सामने करने के ये मेरी कैप ऐसे एक फोटो भी हो जाना चाहिए ना हमारा और वो भी जाना चाहिए। So guys, Merry Christmas. ये पूरे सो ऐसे रखते हैं पोज के लिए। ये लाइट किस की ऑन तभी आएगा। बहुत ज़्यादा वाइट हो गया। थोड़ा मैरी क्रिसमस चलो कट के चलो केक कट करते हैं और टोपी कैसी लग रही है बताना ये मेरा आइडिया था बाय द वे अच्छा कभी मुझे क्रेडिट नहीं देना वो जो जल्दी है फटाफट चलो थैंक यू मैरी हमने एक कैंडल लगाई है क्योंकि दिस इज आवर फर्स्ट केक कटिंग ऑन क्रिसमस सो दिस इज ऑल छोटा सा काटना पतला सा तो पहला एक बाइट उनको दे देते हैं ये बाइट आप सब व्यूअर्स के लिए मैरी क्रिसमस बाइट ये आप खाइए आप हम ट्री भी आएगा yes. तो कैसा लग रहा है हम दोनों मोटो मोटो सेंटा देख देख के आप लग रहे हैं हम दोनों सेंटा जैसे सेंटा लग रहे हैं हमारा एक एक अच्छी सी पिक्चर इधर आ जाओ ट्री आना चाहिए ना और इधर आ जाओ मैं लगी इसमें नहीं इधर आ जाओ थोड़े से बस थोड़े से ट्री नहीं आ रहा ना आप बहुत पास हो गए हम लेके छोड़ लो लो थोड़ा पीछे हो आप और पीछे हो
हाय। सो अभी हम चर्च को ढूंढते हुए यहाँ पे आए हैं, कीर्तिनाथम जगह है। तो यहाँ पे चर्च मिला है कहीं गांव में बीच में, बट इट्स नॉट वेरी ह्यूज, इट्स वेरी स्मॉल वन। सो विल शो यू, आइए हमारे साथ। आ जाओ, हाँ कोई नहीं, बंद है, बंद है। सो ये हमारे पीछे देख सकते हो चर्च है, ये सामने उन्होंने तंबू लगाया हुआ, ये चर्च है, देख सकते हो। आई शो यू द नेम, नाम नाम नहीं आ रहा है, ये आ रहा है CSI क्राइस्ट चर्च, CSI क्राइस्ट चर्च। सो ये है और मेरे पीछे ये है। तो बहुत छोटा सा चर्च है क्योंकि छोटे से विलेज में ये अंदर ही है, तो बहुत बड़ा नहीं है और बंद है। आई थिंक इस अर्ली यहाँ पे प्रेयर हुई होगी विलेज में, बड़ा छोटा है। बट हमें आना था, कैंडल जलानी थी, लेकिन कल भी हमें नहीं मिला शाम को और आज भी नहीं मिला है, तो देखते हैं बारे में। नीचे करके नथिंग इज, जस्ट दैट कि हम हर बार रेस कोर्स जाते थे, वहाँ एक बहुत बड़ा चर्च था, आई थिंक एशिया का सबसे बड़ा चर्च है, समथिंग लाइक दैट। और वहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स वगैरह भी होते थे, लाइक वहाँ पे गेम्स, स्पोर्ट्स, सब कुछ होता था। बट इस बार यू ऑल नो कि कोरोना की वजह से यू नो सब कुछ बंद है, कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर। एंड नाउ इट्स वेरी फार फ्रॉम आवर प्लेस, बहुत दूर है यहाँ से, तो हम वहाँ जा नहीं सकते। एंड कुछ है भी नहीं इस बार, लाइक यू नो कुछ गेम्स या कुछ भी ऐसा सेलिब्रेशन नहीं है। तो हम सर्च कर रहे थे, कल रात में हम एक चर्च पे गए थे जो ऑलमोस्ट बंद था, वो ऐसा लग रहा था कि किसी का घर हो और आगे चर्च बना दिया हो। एंड आज ये भी बंद है, बट इट्स फाइन, श्रद्धा ज़रूरी होती है कि हम यहाँ पर आए। दैट वाज माय पॉइंट कि मैं हर साल जाती थी, तो मुझे था कि मैं चर्च जाऊँ, तो मैं आ गई। बंद है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैंने बाहर से ही जो भी मुझे पे करना था मैंने कर लिया है। अब हम इसको दिखा देते हैं, एक लुक दिखा देते हैं कैसा है ये, देखिए बाहर से ये कोई बैठा हुआ है सामने, और देखो आसपास देखो सब खाली है, दूर दूर तक कोई नहीं है। ये गांव है छोटा सा, ये चर्च है गांव में, जैसे टेंपल्स वगैरह थे। तो इधर भी देखोगे साइड में कुछ नहीं है, इधर बनना है, काफ़ी कुछ खाली है, छोटा है, ये देख सकते हो, है ना। चलो हम घर की तरफ निकलते हैं, चलो फिर चलो अब यहाँ से एंडिंग करते हैं। चलो तो ये ब्लॉग हम यहीं एंड कर रहे हैं। बैठ के बात करो। नहीं मेरा प्यार तो तुम्हें तो मैं हो ना, कोई नहीं, जल्दी फिनिश करते हैं ना, फिर बस ये ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं गाइस, यहीं पर फिनिश करते हैं। तो हमारा मैं पहला आपको क्रिसमस बहुत अच्छा लगा, हमने ये क्रिसमस देखो हमारा कोई फैमिली मेंबर नहीं है हमारे पास, ये पहला क्रिसमस हमने अपने व्यूअर्स के साथ बनाया है। वी डोंट हैव एनी फ्रेंड्स अभी, अब रात को कौन होगा, बस हम तो यही चाहते हैं कि जैसे हम छोटी-छोटी खुशियां हर जगह ढूंढ लेते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, आप भी ढूंढ सकते हो। सब ढूंढो, क्रिसमस क्यों बनाया, दिवाली क्यों बनाया, कुछ भी बना सकते हो, कभी भी सेलिब्रेट करो, जस्ट बी हैप्पी, जस्ट कुछ भी खुशी का बहाना ढूंढो, ठीक है। सी हम जितना कर सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि हम जितना अफोर्ड कर सकते हैं उस हिसाब से हमने अपना थोड़ा बहुत जो किया वो किया, जिससे हमें खुशी मिले और हम अच्छे से करें। छोटा सा केक लाए हैं 200 ग्राम का, ठीक है, वही खाया हमने, छोटा सा ही फ्री है, बहुत बड़ा भी फ्री नहीं है, लोग भी तो बड़े बड़े लगाते हैं शो ऑफ के लिए, तो इट वॉज नथिंग फॉर शो ऑफ, इट वॉज फॉर अस। आपको मिलेगा और आई थिंक हम अपने अगले व्लॉग्स में जो भी आए तो शूट शूट करेंगे, तो हम इसी लोकेशन पे शूट करेंगे, हम आपको मिलेंगे लाइव बहुत जल्दी क्रिसमस सेलिब्रेशन में। हाँ चलो ठीक, और इससे पहले लाइव आ रही वीडियो से पहले तो हम वी डोंट नो, हो सकता है कि हम लाइव इस वीडियो से पहले आ चुके हों, ठीक है, वी डोंट नो येट, ओके। सो बिकॉज हम लाइव आए नहीं है, देखते हैं कि इट्स गोना वर्क आउट और नॉट। चलो ठीक है, टेक केयर, गुड नाइट, एंजॉय, बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना बिल्कुल मत। होप यू ऑल लाइक आवर वीडियो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन प्रेस करिए हमारे नए मोर अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।